अध्यक्ष गोंदिया, प्रतिभाताई कुंभरे, उपाध्यक्ष सलावरे, सुभांगीताई वाडकर यांनी कृपया मंचाला आले. वसंतजी तुम्ही कोरोना सामर्थ्य चालू करता. कोरोजी महाराज कोरगाव सदानंद जीतेका उप सरपंच राजोरी गुलामी जी 15 सचिव विसाव अतुल जी वसराज जाती बोल समाज गांधी नेता जी पद सुनील जी तेंदुले सरपंच वेळंबी यांनी सर्वांनी मंच दिले. मेरा नाम देवरावन भलावी. और क्या बताएंगे आपके, आपको युवा उम्मीदवार क्या प्रचार में आ रहा है, कैसा फील कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस जगह मैं खड़ा हूँ, मैं इस क्षेत्र, इस विधानसभा या आमदार क्षेत्र के सभी आदिवासी भाइयों से मैं अपील करता हूँ कि 45,000 से ज़्यादा जनसंख्या में निवासरत है यहाँ पर मेरा आदिवासी. और इस वक्त मैं सभी से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट आप अपना दें, अपने रिश्तेदार, अपने परिवार को. आप कसम खा लें, 10-10 फोन आप सुबह और शाम को भाव को जिताने के लिए हर किसी को लगाना है. मैं हर आदिवासी भाई से अपील करता हूं और मैं देवरावन भलावी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, और हम सभी लोग भाव के साथ हैं. और पूरी गुणवाना गणतंत्र पार्टी का कार्यकर्ता, बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, गांव में काम करने वाले, खेत में काम करने वाले, झोपड़ा पट्टी में रहने वाले, महलों में रहने वाले हर एक भाई और बहनें डॉक्टर भाव के साथ हैं. और हम लोग उनको बढ़ चढ़ के जिताने के लिए आज यहाँ पर उनके प्रचार में आए. विजय करण्यासाठी चला आणि आज त्यांच्या प्रचारार्थ अर्जुन मुरगाव येथील प्रसन्न सभागृहात जाहीर सभेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. आणि या सभेसाठी प्रमुख अतिथी आणि मान्यवर म्हणून लाभलेले आहेत प्रमुख अतिथी देवरावजी भलावे, त्याचप्रमाणे गोंदवाना गणतंत्र पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष हरिभा, अध्यक्ष गोंदिया, प्रतिभाताई कुंभरे, उपाध्यक्ष सलावरे, सुभांगीताई वाडकर वसंतजी तुम्ही कोरोना सामर्थ्य चालू करता. कोरोजी महाराज कोरगाव सदानंद जीतेका उप सरपंच राजोरी गुलामी जी 15 सचिव विसाव अतुल जी वसराज जाती बोल समाज गांधी नेता जी पद सुनील जी तेंदुले सरपंच वेळंबी यांनी सर्वांनी मंच दिले. इस बार आपको प्रहार को डाइवर्ट करना है, चैलेंजिंग काम है, कैसे करोगे? डाइवर्ट नहीं है, विचारधारा की बात है. जो आदिवासियों की विचारधारा के साथ खड़ा है, उनके अस्तित्व को बचाने के लिए खड़ा है, वो हर एक व्यक्ति, हर एक आदिवासी भाई अपने अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए लड़ाई लड़ रहा है. और हमारे लिए सबसे बेहतरीन चुनाव या बेहतरीन उम्मीदवार जो है डॉक्टर भाव को हम लोगों ने चुना है. गुणवाना गणतंत्र पार्टी का समर्थन लेटर भी जारी हुआ है. और जब मैं बोल दिया, पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में आदिवासियों के हक, अधिकार, जल, जंगल, जमीन को लेकर मैं सड़कों में उतरता हूँ, लड़ता हूँ, आंदोलन करता हूँ, जेल जाता हूँ, मैं उस पूरे आदिवासी भाई से मैं यही आग्रह करता हूँ कि इस बार भटकना नहीं है. ये पैसा मायने नहीं रखता, बड़ा बड़ा नेता मायने नहीं रखता. हमने एक बार चुन लिया, हमारे मुखिया ने एक बार समर्थन दे दिया, तो हम उन्हीं के साथ हैं. और इस विधानसभा से हम लोग उन हेलीकॉप्टर से उड़ने वाले जो फर्जी लोग हैं उनको बताना चाहते हैं कि गांव में रहने वाला, सड़कों में चलने वाला हमारा भाव डॉक्टर भाव इस बार भारी मतों से जीत रहा है. और इस बार युवा क्रांति की एक नई झलक आमदार या विधानसभा के अंदर आपको देखने को मिलेगी. बहुत बहुत धन्यवाद. मेरा नाम देवरावन भलावी. और क्या बताएंगे आपके, आपको युवा उम्मीदवार क्या प्रचार में आ रहा है, कैसा फील कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस जगह मैं खड़ा हूँ, मैं इस क्षेत्र, इस विधानसभा या आमदार क्षेत्र के सभी आदिवासी भाइयों से मैं अपील करता हूँ कि 45,000 से ज़्यादा जनसंख्या में निवासरत है यहाँ पर मेरा आदिवासी. और इस वक्त मैं सभी से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट आप अपना दें, अपने रिश्तेदार, अपने परिवार को. आप कसम खा लें, 10-10 फोन आप सुबह और शाम को भाव को जिताने के लिए हर किसी को लगाना है. मैं हर आदिवासी भाई से अपील करता हूं और मैं देवरावन भलावी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, और हम सभी लोग भाव के साथ हैं. और पूरी गुणवाना गणतंत्र पार्टी का कार्यकर्ता, बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, गांव में काम करने वाले, खेत में काम करने वाले, झोपड़ा पट्टी में रहने वाले, महलों में रहने वाले हर एक भाई और बहनें डॉक्टर भाव के साथ हैं. और हम लोग उनको बढ़ चढ़ के जिताने के लिए आज यहाँ पर उनके प्रचार में आए. दादा, प्रचाराला शेवटचे 2-3 दिवस उरलेले आहेत. आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टीच्या वतीने मोठी सभा घेण्यात येणार आहे, काय कसा प्रतिसाद मिळतोय आता शेवटच्या दिवसांमध्ये? आज आमच्या अजूनी मुरगाव विधानसभा क्षेत्रामध्ये मी गोंडवाना गणतंत्र पक्ष आणि प्रहार जनशक्ती पक्ष याच्या संयुक्त उमेदवारीने इथे उमेदवारीमध्ये उभा आहे. आणि आज माझ्या प्रचारार्थ हरीश भाऊ उके आणि भलावी भाऊ
ये दोन्ही गोंडवाना गणतंत्र पक्षाचे वरिष्ठ राष्ट्रीय नेते हे माझ्या प्रचारासाठी इथे आलेले आहेत आणि आज पूर्ण अर्जुनी मोरगाव विधानसभा क्षेत्रातील आदिवासी समाज हा पूर्णपणे आज आमच्या सोबत एकवटलेला आहे आणि एकही मत हे आदिवासी समाजाचं आता कोणत्या दुसऱ्या पक्षाला जाणार नाही आणि निश्चित रूपाने यावेळेस आज एक गोंडवाना गणतंत्र पक्ष या रूपाने एक आमदार हा महाराष्ट्राला लाभेल।